एक दारू में एग्यू आप बैठे वाला देखना होला रे बार और मन में सोचना होला कि आज पत्रकारिता की बात करनी चाहिए तो को मेहमान होला जब पत्रकार की बात करनी चाहिए तो कोई वरिष्ठ पत्रकार आज हमारा ये रे बार मंच में बुलाए छन। वो वरिष्ठ पत्रकार को छन, वो वरिष्ठ पत्रकार एक स्वतंत्र पत्रकार छन और जाने माने लेखक छन, कलम का धनी छन, श्री जय सिंह रावत जी, जो उनके पुस्तक लिखिन, अपनी पत्रकारिता पर लिखिन, जनजातियों पर लिखिन और अपने कलम का माध्यम से समाज ते जागरूक करना रंदन, सरकार ते जागरूक करना रंदन, तो कई पुरस्कारों से भी सम्मानित छन। उत्तराखंडी माने हिमाचल में भी उन पत्रकारिता करी और कई बड़ा पेपरों में भी काम करी थे, उनको अपने एक अलग पहचान छी और जय सिंह रावत एक जाने माने नो उत्तराखंड की पत्रकारिता में छी। ज्यादा छुए न लगे थे रावत जी से मुखाभेंट करो न। रावत जी, रेबार मंच में आपको बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार रावत जी, आज उत्तराखंड में पत्रकारिता की बात करना चाहिए, पत्रकार के इतिहास की बात करना चाहिए। उत्तराखंड में कबार पत्रकारिता शुरू हुई और कबार बटन शुरू हुई पत्रकारिता और क्या इतिहास है पत्रकारिता को? देखो भारत में जो पत्रकारिता, अखबारी पत्रकारिता, जो खबरों की पत्रकारिता जो शुरू हुई, प्रिंटेड अखबार की जो पत्रकारिता शुरू हुई वो अंग्रेजन शुरू गई अगस्तस हिकी ने लगभग 1790 के आसपास कलकत्ता बेटी अखबार निकाल छो, कलकत्ता गजट का नाम से निकाल छो। यही हिसाब से अगर उत्तराखंड में भी देखे जाओ तो उत्तराखंड में अखबार शुरू करने वाला अंग्रेजी है। अंग्रेजी हाँ, तो मसूरी भी सबसे पहली और बाकी की बात है कि उत्तराखंड ये देहरादून जिला जो रहे पत्रकारिता को जो उदय, उत्तराखंड की जो अखबारी पत्रकारिता को जो उदय हुए वो देहरादून जिला में भी हुए। पहली अखबार एक मसूरी भी निकल चो 1842 में और एक अखबार में हो द हिल्स। हाँ, तो द हिल्स पहलो अखबार छो वो अंग्रेजी मान निकली छो और एक बाद फिर मसूरी से कई अखबार निकले, ये आपका द मसूरी टाइम्स, चमेलियन और कई अखबार ये 1842 से लेकर के बाद तक 1900 तक जी। लेकिन वो ज़्यादातर अंग्रेजी का अखबार था। उत्तराखंड में जो पहली हिंदी का अखबार छो वो समय विनोद छो, वो लगभग 1867-68 में निकल छो, वो ये माँ नैनीताल बैठी और नैनीताल में प्रेस एक शायद संभवतः वो पहली प्रेस से उत्तराखंड की कि जे माँ समय विनोद छपी छो। एक बाद फिर 1871 में अल्मोड़ा बेटी अल्मोड़ा अखबार निकली, तो अल्मोड़ा अखबार तो एक अंग्रेजों एक डिबेटिंग क्लब बन छो कि लेकिन अल्मोड़ा एक तो ये समझे कि उत्तराखंड की सांस्कृतिक राजधानी आपन सुन जी 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 और यानी भी चंद्रवंश की राजधानी रही अल्मोड़ा रेल। अल्मोड़ा तो बहुत जागरूक लोग रहे हैं जी जी जी। तो अल्मोड़ा डिबेटिंग क्लब में से जब चर्चा हो जब बड़ा बड़ा लोग था तब 1871 के आसपास अल्मोड़ा अखबार शुरू हुए और वो चली अल्मोड़ा अखबार लगभग 1913 तक चली। तो शुरू में अल्मोड़ा अखबार मतलब समाज सुधार ये समझो, लेकिन बाद में जब भी 1913 में जब बद्रीदत्त पांडे जब आया वो संपादक में तो एक पूरा हिसाब पूरा उद्देश्य एकदम नजरिया एकदम एक मिजाज ही बिल्कुल बदली गई कि लेकिन वो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी अखबार बनी से। तो लेकिन ये से पहले एक हमारा ये गढ़वाल साइड में एक रेफरेंस है कि एक टीरी मा जी महाराजा राजा के जमाने एक प्रिंटिंग प्रेस एक छे प्रिंटिंग प्रेस एक मा 1901 मा एक छे और शायद उनको गजट टाइप को कोई अखबार भी निकाल छो टीरी भी निकाल छो। लेकिन जो पहले हिंदी का अखबार छो तो हम ये गढ़वाल की पत्रकारिता का जो हिंदी पत्रकारिता का जो जनक था वो गिरजादत्त ने थानी था, बहुत महान पत्रकार था और वो छो गढ़वाल समाचार अखबार छो। गढ़वाल समाचार हाँ, तो गढ़वाल समाचार पहली हिंदी का अखबार ये तरफ भी गढ़वाल साइड भी छो जो 1902 में निकली और ये 1902 के बाद 1905 में गढ़वाली अखबार निकली। गढ़वाली तो गढ़वाली अखबार तो 4-5 दशक तक चली, फिर 4-5 दशक तक दीर्घजीवी अखबार अखबार है। तो गढ़वाली का पहला संपादक भी गिरिजादत्त ने थानी था, वो बहुत बड़ा संपादक आचार्य वो बोल छा और बहुत बड़ा वो छा मतलब उंगली खी कुछ चीज आज भी अभी भी लोग मतलब याद कुछ लाइन लिखी छन कि एक बारे में कि जातिवाद का बारे में टर एक वो छो। फिर एक और लिखा है कि लोमस के तीन शिकार कुली और अल्मोड़ा अखबार मतलब एक कुली और अल्मोड़ा एक अखबार मतलब कुछ दो तीन कुछ यानी कालजयी लाइन लिखी संपादक रावत जी। आप बहुत लंबा दशक से 4 दशक से वो पत्रकारिता करना छन, पहले कर आपका दौर में कद का फर्क है कि पत्रकारिता में
देखिए अखबार की शुरुआत जब भी हुई ना, वो तो एक तो समाज में कुछ बदलाव का हिसाब से, बदलाव मतलब समाज में जागृति का हिसाब से कि अखबारों का जो रोल या पत्रकारिता का जो रोल से वो समाज में समाज परिवर्तन में परिवर्तन की जो प्रक्रिया च या समाज सुधार की प्रक्रिया च ये में कैटलिस्ट या उत्प्रेरक की भूमिका वे जान देखना। तो शुरू में अखबार ये था या तो समाज सुधार का हिसाब से या तो राष्ट्रीय आंदोलन को माँ उत्प्रेरक की भूमिका मतलब जागरूक सब आंदोलन की भावना जन जन तक पहुँचाने को जो पूछो वो उद्देश्य रहे शुरू में है ना। तो बरेस जो हिंदी का अखबार जो समय विनोद ये माँ थोड़ा सा समय विनोद का मतलब मनोविनोद मनोरंजन से या मानसिक विनोद से संबंधित। लेकिन जो अंग्रेजों ने जो अखबार निकाला था वो भी एकदम मतलब यानी अंग्रेज प्रस्त नहीं रहे ज्यादातर ना, चाहे द हिल्स रहे या जब मसूरी टाइम्स चले मतलब मसूरी टाइम्स बहुत साल तक चली हुई ऐतिहासिक तो वो भी बिल्कुल ये के जो व्यवस्था जो प्रशासन छो ब्रिटिश जो हुकूमत छो ये काफ़ी लेखदन छो में ना दमदार छो। तो वो शुरू मारे तो तब उद्देश्य इन छे कि उत्तराखंड का मतलब खासकर उत्तराखंड में बद्रीदत्त पांडे जन संपादक हुए, विक्टर मोहन जोशी जन संपादक उत्तराखंड में हुए, एक आप तो शायद कि एक बैरिस्टर बुक बोला कि रामचा जन 1911 में सबसे पहली अखबार निकाल 1911 में अखबार निकाल जो और वो सब समर्पित राष्ट्रीय आंदोलन जी जी बैरिस्टर। एक बाद आपके बैरिस्टर मुकुंदी लाल जी भी कुमाऊं वो भी समर्पित छो। एक बाद क्या जब ये ना ये तरह भी विशाल कीर्ति छो, विशाल कीर्ति भी समर्पित छो राष्ट्रीय आंदोलन थे। और एक भी आप ये कुमाऊं साइड में देख लें जब अल्मोड़ा अखबार बंद हुए बंद कराए जब अंग्रेजों बंद कराए ये डिप्टी कमिश्नर तो एकदम तत्काल बद्रीदत्त पांडे विक्टर जोशी मथुरादत्त वगैरह बहुत सारे लोग छा बिल्कुल जुनूनी लोग छा उन्होंने शुरू कर दिए सख्त ये स्वाधीन प्रजा स्वाधीन प्रजा करी जी 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 नाम से शुरू करी। तो भी लगातार अंग्रेजों के खिलाफ लिखनो रहे इना ये देख ले कि आपन सुन जो राजा महेंद्र प्रताप को नौ सुनी बोला अपन महेंद्र प्रताप बहुत बड़ा क्रांति का वो ये मुसान का वो छा राजा छा जी जी जब जो शादी हुई तो आप जब द्वारबट गंज जाना नहीं जाना जी 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 बारात में तीन ट्रेन छे बल बारात तीन ट्रेन भरी और जब जब ब्योला आए बल तो सात तो जो सलामी दिए गए तो वो देहरादून मार रहे हो बाद में राजा महेंद्र प्रताप राजपुर रोड पर से देहरादून में और 1914 में वो निर्बल सेवक निकाले निर्बल सेवक हाँ। तो जब क्योंकि सरकार का खिलाफ पहुंचा वो तो राष्ट्रीय आंदोलन स्वतंत्रता आंदोलन को अखबार चाहो तो फिर क्या जमानत वे टाइम पर मांगी जाते फिर नहीं चले तो एक भी अंडरग्राउंड भाजा चलो तो एक बात गए अफगानिस्तान गया रूस गया कई जगह गया तो हूँ तो अफगानिस्तान में तो स्वतंत्र भारत की घोषणा भी कल छे एक राजा महेंद्र प्रताप मतलब नौ को राजा छो लेकिन आप क्रम कर्म से वो फकीर मजदूर किस्म के मतलब। तो ये एक बाद मानवेंद्र राय मानवेंद्र राय ये बलबीर रोड पर मानवेंद्र राय है ना उन भी अखबार एक भी निकाले तो बहुत रावत जी हाँ ये बात कि पहले अखबार ने के मुश्किल छो कि अब मुश्किल छ पहले कना सोच है पहले में कना अखबार छा ये मतलब आपन सुन लो कि एक अखबार निकल छो स्वराज इलाहाबाद बटी उर्दू का अखबार छो वो मैं आप एक की संपादक की जरूरत है विज्ञापन छपी कि क्या तनख्वाह क्या मिलेगी एक संपादक पर 10 साल काला पानी की सजा और सुविधाएं क्या मिलेगी उन्होंने कहा एक खाट मिलेगी दो रोटी मिलेगी एक गिलास ताजा पानी मिलेगा इस तरह के संपादक होते थे तब। अच्छा। और आज कैसे संपादक हैं आप देखना चाहते संपादक के किस्म का छा तो उमा एक छो नंदलाल चोपड़ा और एक एक छो अमीर चंद बमवाल तो अमीर चंद बमवाल ने संपादक ही लेकी और वो जब अदालत में जन फैसला हुआ तो उनको ये इनकरी क्या पुरुषोत्तम दास टंडन वकील साहब के अमीर चंद बनवाल तो अमीर चंद बनवाल देहरादून में आए उन्होंने फ्रंटियर मेल अखबार निकाले मतलब इतना बड़ा क्रांतिकारी पहले वो फ्रंटियर मतलब सीमांत गांधी को नामकरण
अमीरचंद बम वालन कर छो वो सीमांत गांधी से भी सीनियर लीडर था फ्रंटियर तय इलाका का यदि बड़ो मतलब वो देहरादून मारे वो फ्रंटियर में अखबार निकाले और बहुत लंबे समय तक अखबार निकाल तो इतने अच्छा अभी आपका देख लें भक्त दर्शन जी था और अपना प्रोफेसर भैरव दत्त धूलिया था यून कर्म भूमि अखबार निकाल 1939-38 का आस पास निकाली निकाली फिर आप कोटद्वार में निकली सत्यपथ का संपादक था ललिता प्रसाद ने था भाई सत्यपथ तो बाद में निकली लेकिन ऐसे पहले तो भी आंदोलनकारी था जीव का मतलब हाँ मतलब ये जमाना में लोग समर्पित छा मतलब जेल जाने कोई चिंता मतलब वो लक्ष्य कुछ डिफरेंट हो अलग हो पत्रकार का क्या संसाधन था आजकल जन टीवी चन पहले रेडियो छाया ये प्रकार से क्या संसाधन था आम आदमी तक खबर पहुंचाना का देख दीपक आप ये देख लीजिए मानव सभ्यता को विकास है ना वो और पत्रकारिता या मीडिया या है ना वो लगभग एक जन्म तो कट्ठा कट्ठा चल रहा आप अगर आप सोचा कि अगर अखबार नहीं होंदू अगर टेलीविज़न नहीं होंदू और अगर इंटरनेट नहीं होंदू रेडियो नहीं होंदू तो आप समाज के हालत में होंदू आप कल्पना कर सकते मतलब हम आज भी पाषाण युग में जी जी पाषाण युग में हाँ आज क्या है अमेरिका में कोई भी इन्वेंशन कोई भी कोई चीज़ निकल नहीं तो क्विक विद इन नो टाइम देहरादून वाल सप्ते पाठक थे पता चलो अमेरिका में आज के हुए क्या कोई नई दवे कोई निकली कि नहीं कोई आविष्कार सोशल मीडिया का जरिया हर चीज मतलब बहुत ज्यादा मतलब सूचनाओं का पंख पहले तो पंख लग गया आज आप मन से आपका ना आप बोलते सबसे तेज क्या है दुनिया में बिजली है क्या है तो वो कहते हैं मन है नहीं मतलब मन 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 मतलब हम अभी मन कल्पना करिए एकदम मैं न्यूयॉर्क में छूँ अभी मैं टोक्यो में छूँ अभी मैं लंदन में छूँ मन ना क्विक आप दबा एक झटका माँ वो मन आप टोक्यो में रह लो तब तक 10 जगह आप ईमेल चल जाए ईमेल चल जाए बिल्कुल सही बात है हाँ राव जी संचार आजकल दूर संचार की महाक्रांति होगी मेरा जमाना माँ खास कर मेरे जीते जी हम पहले शुरू में पीटीआई ने खबर भेज छ मैं है ना तो हम गोपेश्वर बेटी तार कच्चा तो तार क्यों दो चिमटा जनून जो तार तो उसको कोडिंग डी कोडिंग जो खटखट 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 करना रहा और वो तब श्रीनगर आंदो श्रीनगर तब जान दो तो खबर माह हम क्यों तो पैसा हम लोग प्रेस बोलते हैं 5 पैसा 2 पैसा प्रचार और लोगों को जब बाकी जो सामान्य लोग उनके एक शब्द को चारना पड़ा तो ये वजह से किफायत करी लेख तार का बाद फिर क्या कहते हैं फैक्स आई फैक्स अथॉरिटी हम लोगों से मिली फैक्स अथॉरिटी के बाद अब फिर क्या कहते हैं इंटरनेट आएगी इंटरनेट में फिर अब क्या कहते हैं मॉडम सिस्टम शुरू होगी मॉडम फिर ईमेल होगी आप सुनोगे उत्तराखंड आंदोलन जब हुए हाँ मैं भी सवाल से रावत जी की जो हमारे पत्रकारिता से क्या सफलता सबसे बड़ी पहाड़ की पत्रकार की क्या सफलता रही क्या आंदोलन में सबसे ज्यादा सफल है चाहे गोरा देवी जी को चिपको आंदोलन हो टिहरी बांध रोध आंदोलन हो बाल विवाह हो गो हत्या जन आंदोलन हुए सबसे बड़ी क्या सफलता हमारी पत्रकारिता की रही पहाड़ की पत्रकारिता का जो रोल ना एक उत्प्रेरक को रोल है ना समाज में कोई भी चीज होनी चाहिए तो उत्प्रेरक कन मतलब वो एक स्पीड डेवलप कन है ना आपको अभियान चलाना चाहिए अगर ये मां मीडिया इन्वॉल्व होगी तो एक स्पीड बहुत ज्यादा बढ़ जाली कि लेके आप माना कोई बहुत बड़ा काम करना जी जी है ना लेकिन आप एक आपन कोई काम करिए और क्या कहते हैं धर्मपुर बोलते हैं पता नहीं चली या देहरादून में कोई बहुत बड़ा काम हुआ और कोटद्वार बोलते पता नहीं चली या काशीपुर या पिथौरागढ़ बोलते हैं पता नहीं चली तो मीडिया वे हर जगह वो जो भी छोटी बड़ी चीज होनी चाहिए वो एकदम स्प्रेड करनी चाहिए चारों तरफ फैलानी चाहिए तो लोग सब जागरूक होना चाहते तो वो ये हिसाब से जो मीडियन करे जब से मीडिया को विकास हुए तो तब से जो भी आंदोलन आए वो बहुत तेज आप ये सुनो पहली हम 62 लड़े में हम लोग बहुत छोटा था 65 में बहुत छोटा था लेकिन पहली इंच वाला हफ्ते भर तक पता नहीं चल से लड़े लगी तो आपन जब 71 में तब रेडियो आए रेडियो नो तब पता चलन बैठी लोग सुबह 8 बजे समाचार सुन छा 1-2 बजे समाचार सुन छा सब पता चल छो अरे अब तो पता 24 घंटा खबर या कह अखबार चलना सबसे पता चलो अरे कब क्या होगी है ना देश भर तक है ना अच्छा पहली के उनसे एक साहब अखबार हम जब था पर्दा सा डिग्री कॉलेज में गुप्तेश्वर तो बेखंदो उनसे अखबार
जी शाम में भी आजकल बस के आसमान दूसरे दिन तीसरे दिन सड़क ब्लॉक हुई जी तो लोग दो तीन दिन बाद अखबार पढ़ते था जी। आज सवेर सवेर में अखबार पढ़ो और अखबार पढ़ने में क्या जरूरत है, वो टेलीविजन पर पूरी खबर सवेर तो 24 घंटा चलनी थी। तो कोई भी चीज होनी तो हर आदमी गाँव माता एकदम को पता चलना पता चलना ना। अभी अभी मैं आजकल माना ये ललित मोदी और ये काम चलना तो गाँव वाले सब पता चल जी कि ये माँ कहन क्या करी के मदद करी के कहते मिली सबको वहाँ पता चल लोग तो सब जागरूक रावत एक तो पत्रकार तो सब कुछ जी जी। तो क्या हुए बीच माँ आपन देखो उत्तराखंड आंदोलन कब भी चलनो छो कई दशक पहले भी चलनो छो। ये पीसी जोशी भी बोल छे कि भाई ये अलग राज्य होने चाहिए, जवाहरलाल नेहरू बोल छे भाई इनकी जो यूँ की जो सांस्कृतिक जो उसकी पहचान की वजह से तो कुछ अलग व्यवस्था होनी चाहिए कि लेकिन हम लोग थोड़ा व्यवस्था अलग छे कल्चरली डिफरेंट था। तो तब क्यों हुए उत्तराखंड आंदोलन में कोई खास बात हुई नहीं, लेकिन जन मीडिया या देहरादून में बड़ा बड़ा अखबार है यहाँ है ना और फिर टेलीविजन चैनल है, तो एक बात की हुई जब उत्तराखंड आंदोलन चली तो वो भड़की के एकदम भड़की की मीडिया ने भड़केली और भड़काई भयंकर भड़काई वो आउट ऑफ कंट्रोल है, सरकार का बस का नहीं रहे उत्तराखंड राज्य बनी। अरे ज्यादा दूर जाने की जरूरत नहीं था, आप समझ लें ये मैं देख लिया अन्ना हजारे आंदोलन। अरे ऐसे बड़ो आंदोलन तो तब चली छो संपूर्ण क्रांति को जयप्रकाश नारायण जी को बहुत बड़ो आंदोलन छो बहुत बड़ा बड़ा नेता ये मात कुछ लोग सारा भारत का बड़ा बड़ा जो सब ये मा छा जयप्रकाश आंदोलन का। लेकिन तब मीडिया ये इस स्टेज पर नहीं चाहिए, स्थिति में नहीं चाहो ना तो इतनी प्रचार नहीं मिली। वो अन्ना हजारे एक न जब करते सारा देश में बवाल मची मची तो संसद में बवाल मची अन्ना हजारे जब कले किले को मीडिया की वजह से हुए। आप सुनो को आजकल कोई भी अपराध हो कुछ मीडिया में जान तो दबन मुश्किल हो जान होने नहीं होने जी। कि बड़ा बड़ा एक बाबा जी से ना साल भर जेल में था जी जी है ना कि बाबा जी के नौ सुब्रमण्यम स्वामी वकील गए वो भी वो तो जमानत नहीं दिला सके तो बिकॉज मीडिया की वजह से हुए कई लोग। हाँ रावत जी मीडिया की कुछ तो खूबी चन कुछ कमी चन, आज के लोग बोलते की सच्ची खबर बहुत कम छपते हैं। यदि कोई सच्ची खबर होती तो कोई पैसा या कोई शासन प्रशासन को या माफियाओं को दबाव रहे तो आपको क्या बोलना चाहिए, पर आप एक जाने माने पत्रकार छ निश्चित रूप से पहली जमाना माने में बताया आपने कि वो जो पत्रकारिता को दे समाज सुधार छो या राष्ट्रीय आंदोलन छो या राष्ट्रीय मुक्ति या स्वाधीनता छे पहली आज वो बात नहीं। आज अखबार के लिए निकलना छ लोग या तो अखबार या मीडिया अपनो रुतबा बढ़ाने एक अपना बिजनेस में आड़ देने को दी और कि अपना जो है ना जो मतलब आप राजनीतिक को कनाचन अपनी राजनीति से अगना बढ़ाना होता है तो जो वो जो इंटेंशन से सो इंटेंशन मेला फाइट से ना कोई साफ सुथरा इंटेंशन नहीं। जब आप इरादा सही नहीं बोलो तो मीडिया से आप करनी होता है ना। अच्छा ये नहीं आप ये माँ प्रिंट मीडिया में हम आप देख लें पेड न्यूज है कि पता नहीं चलो जो एडवर्टीजमेंट से कि खबर चाहिए कि विज्ञापन से वो भी अच्छा चुनाव में देख लें चुनाव में क्या स्थिति है जानी कि आप सर्वे करा सरकार के अमुक पार्टी के फेवर में करे था ये पक्ष क्या खिलाफ करे था ये स्थिति है कि ये वजह से जो मीडिया जो बड़ो स्थिति वो दोहरा है कि बात लोग है ना मैं तो पूछना चाहिए चौराहे पर रहेगी जी जी बीच बीच मानो बीच बीच चौराहे पर जी जी। तो स्थिति बड़ी गंभीर स्थिति है, मां सुधारने जरूरत है किले की भाई ये एक जन ड्राइवर हो ना ड्राइवर जी। समाज ने इग्नाली जान तो मतलब गाड़ी ने इग्नाली जान तो यही आज समाज को दिशा दो जो दे तो मीडिया दे चाहे कई भी किस्म मीडिया बोलो चाहे वो प्रिंट से इलेक्ट्रॉनिक से कुछ लेकिन अगर ड्राइवर अगर अनाड़ी बोल तो क्या बोलो गड्ढा में जा लो नहीं जा गाड़ी। तो यही स्थिति में अगर मीडिया ठीक ठाक नहीं रहे मीडिया का इंटेंशन ठीक नहीं रहे तो समाज का नुकसान भी हो सकता ये चीज़ में हो सकता। तो ये किले की बहुत पावरफुल से एक ये बंदा डबल एज अंग्रेजी में बोलते डबल एज द्विधारी तलवार से ये ना भी लग सकते ये ना भी लग इन्हें भी लग बूमरैंग नहीं बोलते बूमरैंग अपन एक पार छोड़े और वो वापस भी भेज सकते। रावत जी इन स्थिति रोल मीडिया की तो कन कोई लोगों को विकास हो लो पहाड़ को विकास हो लो गाँव को विकास हो लो आम आदमी तक हो लो यदि अब हम पता नहीं कि के नेतन मान बात पैसा खेते उन मीडिया ने दिली और खबर छप गई कि हाँ जी विकास होगी तो मीडिया ने भी छाप ली 100 लोग उन मान ली पर जो योजना तो उन लोगों तक नहीं पहुंचती ये लोगों को एक घाटू से
ये मामला में मीडिया हमारे ठीक ठाक से मीडिया की इरादा पर आप सख्त कर सके निश्चित रूप से, लेकिन विकास हम सोचना उत्तराखंड नहीं है, समाज का विकास में आज भी मीडिया की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका क्योंकि जो इन्फॉर्मेशन जो स्प्रेड करते हैं ना, डिसेमिनेशन ऑफ इन्फॉर्मेशन, जो पत्रकारिता का मूल उद्देश्य जो 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 वो जो डिसेमिनेशन ऑफ इन्फॉर्मेशन, इन्फॉर्मेशन मतलब सूचना, सूचना क्या होती नॉलेज, सूचना क्या होती ज्ञान, मैं सूचित है ना आप, मतलब माना बिजली का आविष्कार किसने किया, साहब सालवोस ने किया, अरे ये भी सूचना है, बाद में जो ज्ञान होगी, लेकिन ये ज्ञान को प्रसार कर विस्तार कर, मतलब आप ये समझ लें, मैंने बताया नहीं आपने कि गोमा जा आज आओ सब वो कह रहे होंगे ललित मोदन क्या करी साहब क्या कर साहब, अरे वो पर कौन है कि साहब ओसामा बिन लादेन कनके मारिणी साहब, और ये 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 ये, ये, ये क्या कहते हैं ये अपना ओबामा साहब तीसरे तो चुनाव लड़ सकते नहीं लड़ सकता, अगर हम बोलो नहीं नहीं फिर लड़ रहे तो गाँव वाले बोले अरे साहब तो आपको पता नहीं द्विधाओं से ज्यादा वही नहीं सकते, तो वो जन शहर और एक ज्ञान को जो मतलब जो गैप छो जी वो गैप मतलब खत्म हो गया जी है ना, पहले मतलब सीमित शहरी लोग जन साहब की हम ही बहुत बहुत जानकार थे ना बहुत ज्ञानी थे, लेकिन वो ज्ञान आज गाँव में भी चली गई, आप आपका जो चैनल था ना 24 घंटा चल रहा था हर चीज, हाँ, रावत जी एक... ये माँ संस्कृति भी चलनी थी, ये माँ समाचार भी चलना था, ये माँ ज्ञान विज्ञान की बात भी चलनी थी, हर चीज चलना हो, तो ये सारी चीज जो गैप जो पहले जो केवल जो शहरी लोगों को जो अपन विशेषाधिकार समझता है कि साहब ये हमको हमको प्रिविलेज समझता है ना, जो प्रिविलेज हो आज नहीं, ये सब चीज गाँव में भी जानी छन, तो गाँव में जो बदलाव सामाजिक बदलाव होना छो ना आप देखे बोल पहले के दिन में दूसरा एक दिन बरात जान छे दूसरे दिन लौटे छे, अब तो गाँव में जाना वन डे होगी नहीं तो दिन में जाना दिन में आ जाना सारा चीज गाँव में आ जाओ पूरा बहुत जन शहर में नहीं गाँव में भी तो ये सब तो मीडिया कुछ है ना, ये मीडिया को मतलब जागरूकता भी बहुत अच्छी बात आपने बताएं। अब रविवार का माध्यम से तमाम दिगदार होता है, आप क्या रविवार देन चांदन जो हमारे तमाम दिगदार आपकी बात सुनना चाहें, हम ये खासकर समाज का ठीक पत्रकारिता में कभी कोई हो सकता गड़बड़ हो सकती कुछ कमी ये जानी किले की पत्रकारिता भी या पत्रकार भी ये समाज का अंग होता, चाहे आप लोग पुलिस ही बोलते गाय देना जबकि वो बात सच नहीं है, आप समाज जो कुछ भी पुलिस से पत्रकार से या डॉक्टर से कोई भी है वो भी ये समाज से निकला है ना, और पत्रकारिता में कमी जरूर होली लेकिन समाज का ये का सुधार का वास्ता समाज का हित में पत्रकारिता निरंतर काम करी, और जो जो एडवांसमेंट होना चाहिए खासकर इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में जो महाक्रांति आई ये की वजह से भी और शायद समाज में सब पत्रकारिता को काम बोलू ये चा हमदगढ़ी वरिष्ठ पत्रकार श्री जय सिंह रावत जी इच्छा हमदगढ़ी वरिष्ठ पत्रकार व जाने माने लेखक श्री जय सिंह रावत जी जो ना आज की और पहले की पत्रकारिता का तमाम जानकारी नेटवर्क एंड रेबार के माध्यम से आप लोगों का मुखाग्नि रखें, पहले की और अब की पत्रकारिता में जमीन आसमान को फर्क है, आज को मीडिया को बाजारीकरण होगी, आज इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो या प्रिंट मीडिया हो बाद में खबर मिल दिन, पहले तो हम तो सोशल मीडिया में सबसे पहली खबर है जानी, फेसबुक व्हाट्सअप हो या एप्स पर लगभग हर सब लोगों में खबर है जानी, पहली पत्रकारिता एक रविवार को माध्यम छो देश ते आज़ाद कराने की बात हो या बाल विवाह हो या चिपको आंदोलन हो तमाम आंदोलन ते एक पत्रकारिता ने एक धार दी, अपनी जान हाथ पर रखे ते निडर हुए ते पत्रकारिता करी, कुंवर सिंह कर्मठ जी हो या श्रीदेव सुमन जी हो लोग उतने जागरूक करी, पर आज की पत्रकारिता में शासन प्रशासन और बड़ा बड़ा माफियाओं को दबाव ची जैका कारण आज पत्रकार खुलिकते ना बल्कि डरी डरिकते खबर लिखते, तमाम पत्रकार लेखक कवियों से निवेदन ची कि जो सरकार की जनहित वाली योजना ची उनको ज्यादा से ज्यादा प्रचार हुई चिंदु जो रे बार हर मन की तक पहुंचू, पर आज सच में सच लेखन तो आज मौत मलिन वाली बात थी, पर पत्रकार होते हैं जातिवाद और क्षेत्रवाद भाई भतीजावाद से हटिकते हैं निष्पक्ष पत्रकार तक करें चेंदी, ये आस और उम्मीद का दगड़ी आज को कार्यक्रम मठ मठ कहते हैं एक मैं बटोल दूँ किले की पत्रकारिता देश को चौथो स्तंभ ची लोकतंत्र देश को चौथो स्तंभ ची, आज को कार्यक्रम मठ मठ कहते हैं एक मैं बटोल दूँ अगला बार मिलू नए मेहमान और नए विषय का दगड़ी, तब तक अपना दगड़े दीपक केंद्र दड़ी हमारी रविवार की पूरी कुटुंबदारी ते दिया अनुमति और गाँव को ठहरा और शहर बाजारों की खबरों ते देखना रहा नेटवर्टेन नमस्कार।